हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टेक इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। इंटीग्रेशन फिजिक्स में कितना है, क्योंकि एक पूरी मैथ्स है ये, जो कि मैथ्स साइड में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ हम वो पढ़ेंगे जो फिजिक्स में जितना यूज हो। तो इंटीग्रेशन इन फिजिक्स ये कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस में दो होते हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, आप ऐड कर देना। जैसे सपोज यहाँ पे एक कर्व दिया है, इस कर्व जो दिया हुआ है ये लगातार जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट करने का थोड़ा सा मतलब समझेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, जिसकी यहाँ पे ये जो विथ है ये dx ले ली, और ये हमने माना है कि इतने प्रोसेस में जो y है दोनों के लिए बहुत पास पास पॉइंट लिए गए हैं, तो y इसके लिए भी हाइट है और इसके लिए भी y हाइट है। ओके, तो इन दिस सिचुएशन व्हेन वी विल टेक, ओके, इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया फॉर्म बाई कर्व। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ से करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया का निकालेंगे इंटीग्रेशन, वो जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन देगा एरिया जो है। अब कैसे निकलेगा, इस छोटे वाले स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ दैट इज वाई इंटू ये ब्रेथ डी एक्स, तो वाई डी एक्स होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वाई हमारा फंक्शन एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई जो चेंज हो रहा है जिसके भी थ्रू वो फंक्शन एक्स है, तो एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप वाई डी एक्स यानी फंक्शन एक्स डी एक्स हो जाएगा। हमको तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना, समेशन करना है। तो उसके लिए हम जो ये सिंबल यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, वो ये है, टेढ़ा बना के, सीधा ऐसे नहीं, सीधा ये डिटरमिनेंट्स का होता है, और ये थोड़ा सा कर्व इधर भी और इधर भी इस तरीके से बना के जो यूज़ होता है, ये इंटीग्रेशन के सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे हमें पूरे का निकालने के लिए, यानी कि हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन का साइन, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड टोटल एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब फार्मूले क्या क्या यूज़ होते हैं, जो फार्मूले हमने डिफरेंशियल में लगाए थे, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, वहाँ इससे थोड़े से फ़र्क है। वहाँ x की पावर n का डिफरेंशियल करते थे तो आता था हमारा n x की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में होगी, लेकिन एक पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट होती थी। तो यहाँ पे अपॉन n प्लस वन होगा, और यहाँ x की पावर n माइनस वन होता था, अब यहाँ पे x की पावर n प्लस वन हो जाएगा। साथ में एक c जरूर लिखते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि इसको जब नहीं यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, और साथ में हर एक में प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाएंगे। और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ इसकी कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और होगी, हर एक में अलग अलग होगी, लेकिन हम कॉन्स्टेंट को ऐसे लिखेंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल हमने वहाँ देखा था कि कॉस एक्स था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस था तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा। टेन एक्स का डिफरेंशियल वो हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ उल्टा करेंगे, इंट्रीगल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टेन एक्स प्लस सी होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशियल हमने पढ़ा था वन अपॉन एक्स, उल्टा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बार बार, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स डी एक्स का हो गया लॉग एक्स प्लस सी। एक्स की पावर अगर एन था तो इसका डिफरेंशियल हमारा वन आता था ये, ओके, तो यहाँ पे वन मतलब डी एक्स ये वन हो गया, तो इसका डिफरेंशियल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी एक्स प्लस सी होगा। दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन, और जब हम इनको यूज़ करेंगे फिजिक्स में तो इन फार्मूलों को हम देखेंगे कि ज़्यादातर यूज़ होगा। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू।